अच्छा, एक प्रश्न पूछने के लिए महेश जी राजस्थान से लाइन पे हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ये है सर, मैंने 4 साल पहले कॉरपोरेशन बैंक से होम लोन लिया था अच्छा, और उसको मैं SBI में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसका कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है क्या? अच्छा ठीक है, अब देखिए ऐसा हाँ है बलवंत जी। कि हाँ देखिए ऐसा है, महेश जी नाम है ना, जी तो अभी अगर आपका फ्लोटिंग रेट पे, अगर फ्लोटिंग में लिया हुआ है होम लोन, तो RBI के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप जो एक बैंक से दूसरी बैंक को ट्रांसफर करेंगे तो वो प्री पेमेंट माना जाता है। प्री पेमेंट पे अभी पहले पेनल्टी लगती थी, अभी बैंक प्री पेमेंट पे पेनल्टी नहीं ले सकते हैं। आप दूसरी जगह जैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, जहां ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है, %0.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है। परंतु आप नेगोशिएट करें तो लेंडर कई बार आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो वेव भी कर देते हैं। जहां तक सवाल प्रोसेस का है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है, आपका जो PNB के पास में आपका लोन है, आप उनसे लिखवा के ले लीजिए कि अगले 15-20 दिन तक की आउटस्टैंडिंग कितनी है। वो आप मतलब एक सर्टिफिकेट दे देंगे आपको कि ये इतना पेमेंट अगर आपको मिल गया, आपकी आपकी तरफ से मिल गया, बैंक को मिल गया, तो बैंक आपको आपके डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देगी, या जो जिससे लोन ले रहे हैं उसको शिफ्ट कर देगी। वो लेटर दिखा दीजिए आप, जो प्रोस्पेक्टिव लेंडर है, जैसे आप नए लोन, जहां होम लोन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आपस में ही जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर देंगे, तो जो पैसा है वो जो नया लेंडर वो पुराने वाले लेंडर को ट्रांसफर कर देगा, और जो डॉक्यूमेंट है वो नए लेंडर को ट्रांसफर कर देगा। तो आपको दोनों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अच्छा, ये ना राहुल जी का मध्य प्रदेश से भी एक सवाल आया था, वो भी इस